हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ मेरे गांव, तो मैं आपको मेरा गांव का होम टावर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप सबका वेलकम है मेरे घर पे, मेरे ससुराल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा गाँव का घर है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ बहुत बड़ा सा आंगन है, उसके बाद ये घर है। चलिए मैं आपको घर के अंदर लेके जाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारा हॉल रूम है। ये देखिए, यहाँ हॉल रूम है और यहाँ पर टीवी लगी हुई है। इधर बहुत बड़ी सी खिड़की है और इधर है पहला रूम। देखिए, इसके ऊपर कृष्ण जी की यहाँ पर पोस्टर लगी हुई है। इसके नीचे अब हम रूम में जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट रूम है, बेडरूम। इधर आप देख रहे हैं कपड़े रखने का ये जगह है। इधर एक टेबल है, इधर अलमारी है और यहाँ नीचे मंदिर है। ये मंदिर है और वहाँ मेरी सास ससुर की फ़ोटो रखी हुई है। और यहाँ है बेड। देखिए, ऊपर से भी पूरे भगवान जी की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। फ्रेंड्स, ये एक बेडरूम है। अब मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर घड़ी लगी हुई है और इसी से लगा हुआ यहाँ पर दूसरा रूम है। ये देखिए, इसी से लगा हुआ ये दूसरा रूम है। यहाँ भी भगवान जी की पोस्टर लगी हुई है। इस रूम में यहाँ पर एक टी टेबल रखा हुआ है। इधर बेडरूम बेड रखा हुआ है। यहाँ एक अलमारी है और यहाँ पे और एक अलमारी है जिसमें बच्चे के कपड़े को रखे जाता है। और इधर कपड़ा रखने की आलना है। और फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कितने सारे बैग हैं, क्योंकि हम लोग सब आए हैं बाहर से, तो बहुत सारे यहाँ पर बैग्स रखे हुए हैं। ये हमारा दूसरा रूम है, छोटा सा। छोटे छोटे दो रूम हैं बस यहाँ पर और हॉल रूम है। ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड, जब मेरी शादी हुई थी तब ये बिल्कुल कच्चा था। और यहाँ से निकलते हम जा रहे हैं इधर किचन रूम की तरफ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा सा किचन रूम है। ये देखिए, इधर किचन रूम है, ये अलग से है। फ्रेंड्स, मैं आपको अंदर लेके जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हम किचन रूम में हम चूल्हा में खाना बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से चूल्हा बना हुआ है। इधर चूल्हा में हम खाना बनाते हैं। लकड़ी का चूल्हा है ये। फ्रेंड्स, हम इधर मीट केस रखा हुआ है, इधर मसाले रखने का जगह है। और हमारे यहाँ पर गैस भी है। फ्रेंड्स, कभी कभी हम गैस में भी खाना बना लेते हैं यहाँ पर। हम अभी किचन रूम से निकलेंगे तो इधर हमारा देखिए टॉयलेट और बाथरूम है। ये घर की पीछे का पीछे की तरफ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पर दो टॉयलेट है और एक बाथरूम बना हुआ है। और इधर बर्तन धोने की जगह है। फ्रेंड्स, ये हमारे घर के पीछे की जगह है। और यहाँ पर देखिए कुआं है, ऐसे बोरिंग लगा है। फ्रेंड्स, जैसा अभी हमने बोरिंग भी लगाया है, पर पहले हम कुआं का ही इस्तेमाल करते थे।
और इधर देखिए, इधर है बहुत बड़ी सी, इसे डोबरी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसमें मछली को पाला जाता है, बहुत बड़ी सी है और इसमें मछलियाँ भी है बहुत सारी। इसको चारों तरफ से घेर के रखा है क्योंकि मेरा जो देवर है उसका छोटा सा बच्चा है, तो इसको चारों तरफ से घेर के रख दिए हैं इस तरह से, ताकि कोई बच्चा अंदर ना जाके। देखिए, इसे पूरी अच्छी तरह से पैक करके रख दिया है। और इधर देखिए, ये बहुत बड़ी सी डोबरी है फ्रेंड्स, और इसके आगे ही जस्ट हमारे घर के बॉर्डर से लगा हुआ हमारी खेती है। मैं आपको ले जा रही हूँ हमारी खेती में। फ्रेंड्स, ये हमारी खेती है, देखिए यहाँ धान लगा हुआ है। देखिए, ये हमारी पूरी खेती है। ये धान की फसल अब मेरे देवर करते हैं। ये आपको दूर दूर तक दिख रहा है, ये पूरी हमारी ज़मीन है, सारे जगह पे यहाँ पर धान लगा हुआ है। आपको दूर दूर तक दिख रहा होगा, वहाँ तक पूरे हमारे धान की खेती है सब। मेरा देवर है वही खेती करते हैं, बाकी जो तीन भाई हैं फ्रेंड्स वो तीनों जॉब में हैं, तो ये खेती मेरा छोटा देवर करता है। अब देखिए, मैं आपको फिर से सामने ले जा रही हूँ, इधर गाड़ी रखने की जगह है। देखिए, यहाँ पे गाड़ी रखते हैं। और इधर है हमारा गैया घर फ्रेंड्स, पहले गैया थे तब इसे बनाया गया था, पर अभी गैया नहीं है, तो अभी इसमें इसे रखते हैं, धान के गोला बोलते इसको, धान रखते हैं इसमें। देखिए, इसमें धान भरा हुआ है। और इधर अंदर, पहले यहाँ पे गैया को बांधते थे, अभी नहीं है तो अब यहाँ पे लकड़िया को रखते हैं, लकड़िया और जो बाकी सामान है घर के उसे यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए, और ये हम घर के सामने तरफ आ गए हैं फिर से। हमारे घर के सामने ही बिल्कुल मंदिर है, देखिए हमारे घर के सामने ही ये हमारा घर है, और इसके बस सामने ही यहाँ पर मंदिर है। मैं आपको ले जाती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ मंदिर है, ये काली माता की मंदिर है, ये देखिए बहुत ही सुंदर सी जगह है फ्रेंड्स। और अभी शाम का समय है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा छोटा सा गांव का घर है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे छोटा सा गांव का घर, मेरा ससुराल, आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय एंड टेक केयर।